दोस्तों सैमसंग अपने सैमसंग गैलेक्सी A50 के लॉन्च के बाद इसी के सक्सेसर A50s इंडियन मार्केट में और ग्लोबली बहुत जल्द ही लॉन्च करने वाला है। तो क्या है इसके कुछ खास फीचर्स और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, प्राइसिंग, रिलीज डेट और इसका एक्सपेक्टेड लुक्स, तो इस वीडियो में हम आपको इसकी सारी जानकारी देंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड यू वॉचिंग हम टेक, सो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों बात करें अगर इसके डिस्प्ले की तो 6.22 इंच का एक सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जैसे कि सैमसंग अपने सारे स्मार्टफोन में प्रोवाइड करती है। और साथ में एक इंफिनिटी ओ डिस्प्ले भी होगा ये सैमसंग M40 की तरह। तो इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अप्रॉक्स 90% के एबव भी है। रीजन है इसका ओनली एंड ओनली इंफिनिटी ओ डिस्प्ले। और इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1080x2340 होने वाला है 19.5:9 के रेशियो के साथ। बात करें लुक्स एंड ओवरव्यू के बारे में तो प्रीमियम लुक्स के साथ इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन सैमसंग लेकर आएगी। बैक में आपको एक मेटल का डिजाइन देखने को मिलेगा और फ्रंट में ही आपको सैमसंग के तरफ से गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा, जो कि इसके डिस्प्ले को काफी बेहतरीन और यूजर फ्रेंडली बना देगा। तो देखते हैं ये स्मार्टफोन इंडिया में क्या इसी फीचर्स के साथ लॉन्च होती है या नहीं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि इसका डिस्प्ले पंच होल डिस्प्ले होने वाला है, तो इसके अंदर ही आपको एक 25 MP का F2.1 अपर्चर के साथ सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, जिसका वाइड एंगल लेंस और ऑटो फोकस काफी बेहतरीन बताया जा रहा है। तो देखते हैं सैमसंग अपने फ्रंट कैमरा के ऊपर कितना अच्छा काम कर पाती है और इस फोन में इसमें कैसा अपना कैमरा दे पाती है, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन प्राइमरी 32 MP, सेकेंडरी 8 MP और थर्ड जो है वो 5 MP का होगा, जो कि डेप्थ सेंसर है। इसका प्राइमरी कैमरा का ऑटो फोकस लेंस के अकॉर्डिंग इसको इस एंगल से डिजाइन किया गया है, ताकि आपका वाइड एंगल फोटो शूट काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ हो। तो देखते हैं इस कैमरा का रेजोल्यूशन। वैसे तो कैमरा के मामले में सैमसंग का कोई जवाब नहीं है, ऑसम कैमरा एक्सपीरियंस इस फोन की तरफ से आपको मिलने वाला है। दोस्तों बात करें अगर इसके प्रोसेसर की तो एक्सिनोस का 9610 का प्रोसेसर इसमें देखने को मिल सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, जो कि सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है, नहीं तो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन का 675 भी इसमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं सैमसंग अपने सैमसंग गैलेक्सी A50s में कौन सा प्रोसेसर प्रोवाइड करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा वो लेटेस्ट एंड्रॉइड पाई होगा, जो कि सैमसंग के One UI के ऊपर बेस होगा, जिसका इंटरफेस काफी जबरदस्त होता है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों प्राइसिंग का कोई कंफर्म न्यूज अभी हमारे पास नहीं है, बट मुझे ये एक्सपेक्टेड लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी A50 आपको 18,000 से लेकर 17,000 के बीच में इंडियन मार्केट और ग्लोबली दोनों ही जगह मिल जाएगी। तो देखते हैं सैमसंग अपने स्मार्टफोन का प्राइस क्या रखती है। बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तो टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आने वाला है, और साथ में जो बैटरी होगी वो 4000 mAh से ज्यादा की हो सकती है, जो कि फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगी। और इसका बैटरी इंप्रूवमेंट भी सैमसंग की तरफ से काफी अच्छे से कर दिया गया है, जो कि A50 में भी आपको देखने को मिला था। तो देखते हैं ये फोन आपको बैटरी के मामले में कितना अच्छा बैकअप दे पाती है। दोस्तों बात करें इसके रिलीज डेट की तो अभी तक कोई न्यूज सामने निकल कर नहीं आई है, बट एक्सपेक्टेशन है कि ये 2019 के एंड तक आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको इसमें कोई भी लूफॉल्स नजर आया तो हमें कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो से मैं उसके ऊपर जरूर काम करूंगा और आपको आइंदा से ये कोई भी लूफॉल्स देखने को नहीं मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।